अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रजिस्ट्री लाल अजपर और आप देख रहे हैं रजिस्ट्री लाल अजपर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम पबजी जो गेम है, पबजी जो मोबाइल है वो हमारी बैन हो गई थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी पबजी जो गेम है वो बैन हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपके साथ एक वादा भी किया था कि मैं आपको बताऊँगा अपने पिछले वीडियो में कि हम पबजी कैसे खेल सकते हैं। तो अभी मैं आपको उसी के बारे में ही बता रहा हूँ कि अभी जो पबजी बैन हो गई है, अभी आप कैसे उसको खेल सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा है ना, ये कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी जो पबजी के प्लेयर है वो अब क्या करें। तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, उनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप पबजी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जो भी अपने वीडियो अपलोड करूँ या पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हाँ गाइस, तो एक और बात मुझे आप सबसे कहनी थी कि अगर जो हमने पिछले वीडियो में एक हैशटैग बनाया था अनबैन पबजी मोबाइल, उसको बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर मैंने बहुत ही देखा है, तो आप सबका थैंक यू। आप सब ने मेरा सपोर्ट किया उस हैशटैग को बनाने, उस हैशटैग को फैलाने में। और मुझे उम्मीद है कि जब 15 दिन के बाद जब हमारी हुकूमत जो है पबजी को बैन करने के लिए फ़ैसला करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो पबजी को बैन नहीं करेंगे। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पबजी जो है वो कैसे खेल सकते हैं। जी हाँ, एक एप्लीकेशन है VPN। जब भी आप टैप करोगे VPN, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है प्ले स्टोर, ठीक है। अगर आपके पास प्ले स्टोर है तो आप प्ले स्टोर ओपन कर दें। अगर आपके पास हवावे या और कोई मोबाइल है तो उनका सबका अपना जो है वो प्ले स्टोर होता है। हवावे का अपना प्ले स्टोर है, जो अभी उसका न्यू मोबाइल आया है, वर्जन आया है, तो उसमें क्या है कि उसका अपना प्ले स्टोर है। वहाँ से आप VPN नाम की एप्लीकेशन लिखोगे तो वहाँ पर आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप VPN लिखोगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन आएगी, फर्स्ट में जो एप्लीकेशन आएगी वो आपको डाउनलोड करनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर, जब भी आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ओपन करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी पबजी जो गेम है उसको क्या करना है, उसको आपने ओपन करना है, ठीक है। तो जब भी आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट टू VPN, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो आप उसके साथ पबजी खेल सकते हो। लेकिन एक और बात, उसके नुकसान भी हैं। उसके नुकसान कौन से हैं, फ़ायदे तो हैं, आप पबजी खेल सकते हो, लेकिन एक उसका जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उसको क्या करना है कि उसके साथ आपका जो अकाउंट है जिस पर आप पबजी खेल रहे हो वो आपका बैन भी हो सकता है, और उसके साथ फिर आप कभी भी पबजी उस अकाउंट से नहीं खेल सकते। फिर आपको अपने लिए एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर पिछले अकाउंट को भूल जाना पड़ेगा। तो एक मेरा दोस्त था, उसका भी अकाउंट जो है वो बैन हो गया है, तो थोड़ा संभल के सारा दिन कनेक्ट नहीं करना। तो दिन में 4 या 5 घंटे आपको क्या करना है, उसको VPN को कनेक्ट करके आप पबजी खेल सकते हो। तो हाँ, तो ये बात थी। और एक और बात, तो आपने बहुत ही उस हैशटैग को आपने प्रमोट किया है, अभी आप उसको और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 13 या 12 दिन हैं। अगर जितना आप उसको प्रमोट करोगे, और जो मेरा पिछला वीडियो था पबजी बैन इन पाकिस्तान, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पबजी बैन हो गई है वो अनबैन हो जाएगी। और लास्ट में, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़ फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़ सो मच।